इंदौर के दिल्ली कॉलेज के एक स्टूडेंट के साथ अपहरण के प्रयास करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित नाबालिग ने परिजनों के साथ आज संयोगितागंज थाने पर एफआईआर दर्ज करवाई है। देखिए टाइम्स टुडे इंडिया की ये खास खबर। दरअसल थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीड़ित कॉफी पीने के लिए गया था और उसके परिचित फैजल पटेल भी वहां आया था। किसी बात के कारण दोनों के बीच कहासुनी हो गई। उस वक्त फैजल पटेल मौके से चला गया, लेकिन कुछ देर बाद वह अपने दोस्तों के साथ आया और चाकू की नोक पर पीड़ित को कार पे बैठाने का प्रयास करने लगा, लेकिन वहां मौके पर चिल्ला चोट करना शुरू कर दिया। मामले को बढ़ता देख फैजल पटेल और उसके दोस्त वहां से फरार हो गए। फैजल पटेल वही शख्स है जिसका लॉकडाउन के दौरान इंदौर के मैटर होटल पे नोट उड़ाने और इंडियन करेंसी का अपमान करने का वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर फैजल पटेल और उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी है। मामला दर्ज हुआ है, क्या घटना क्रम? देखिए आज इसमें श्रीवास जैन है, एक बालक है, वो गए थे कॉफी पीने के लिए और वहाँ पे कॉफ़ी पी के वो निकल ही रहे थे कि उनकी एक आपसी रंजिश थी फैजल पटेल से, और इसी बात को लेकर के उनमें विवाद होने लगा कि तू बहुत तेज़ चल रहा है और मतलब तुझे मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन बात विवाद ज़्यादा ना हो तो ये आगे बढ़ गए, वहाँ से आगे चले गए और इसके बीच में वो पीछे गाड़ी लेकर के आया और उनको चाकू अड़ा करके और उसको ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में अंदर बैठाने की कोशिश करी, उसका किडनैप करने का प्रयास किया उसने। तो इसी को लेकर के उन्होंने आवेदन दिया था, उनके आवेदन पर से कायमी हुई है फैजल पटेल और दो अन्य लोगों के खिलाफ में, और पुलिस जो है पूरी कोशिश कर रही है कि इनको जल्दी जल्दी राउंड अप कर लिया जाए। कोई दिल्ली कॉलेज में पढ़ता फरियादी बच्चा? हाँ बच्चा पढ़ता है अभी, मैं उसमें है।